हेलो दोस्तों, टैक्स वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार फिर से मॉर्निंग फाइनेंशियल न्यूज़ से। आज फिर से मैं घर से लाइव हूँ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑफिसेज हमने क्लोज कर रखा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स नेगेटिव खुलते हुए फिर पॉजिटिव में है। अभी 631 पॉइंट ऊपर है, 28,919 पे चल रहा है। निफ्टी भी शुरुआती दौर में माइनस में थी, फिर पॉजिटिव में है। अभी वो 201 पॉइंट अप चल रहा है। अगर कल डॉ की बात करें तो कल US मार्केट भी 188 पॉइंट ऊपर रहा। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। उसके पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट और एक सजेशन देना चाहूँगा कि मार्केट के जो फाइनेंशियल हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। कल मैंने इसके लिए पीएमओ को ट्वीट भी किया था। मेरी एक गुजारिश और एक आग्रह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो नेक्स्ट 2 महीने की ईएमआई है, मेरा ये मानना है और मेरे साथ जो भी मेरी टीम है उनका भी ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट इस 2 महीने की नेक्स्ट ईएमआई को वेप कर दे, वेप का टर्म ये नहीं है कि उसको माफ़ कर दे, हमारा कहना है कि इसको हमारे टोटल टेन्योर में ऐड कर दिया जाए और नेक्स्ट 2 महीने किसी भी तरह का कोई ईएमआई हिट ना हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो नहीं होगा। पहला, जो आपको लोग, जो इंडियन पब्लिक आपको जो सपोर्ट करना चाहती है वो पूरी तरह से सपोर्ट भी कर पाएगी। गवर्नमेंट का इसका कोई राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा, जो आप कह सकते किसी भी तरह का उनके स्ट्रेस नहीं आएगी और बैंक के एनपीए भी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यानी कि ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो हर कंट्री अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने लगभग 15% अपने जीडीपी का दिया है, स्पेन ने लगभग 20% अपने जीडीपी का खर्चा कर रहा है, जर्मनी 15% कर रहा है, फ्रांस 12% कर रहा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपने देश की हालात को समझते मैं समझ रहा हूं कि यहां एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इतना बड़ा पेन नहीं ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे बढ़ के इकोनॉमी को सपोर्ट करें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट के लिए भी है कि हम घर पे रहें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो एक विन विन सिचुएशन है, ये हमारा मानना है। बाकी ये गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट क्या करती है। आते हैं आगे। पहली चीज़ जो अच्छी बात है कि पावर सेक्टर में अच्छा डिमांड देखा गया है। 11% का उछाल हुआ है पावर सेक्टर के डिमांड में इस महीने में। इसी के अलावा कोरोना वायरस की वजह से लगभग 30 मिलियन जॉब जाने का अनुमान है, जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जा सकता है। यस बैंक ने में हो सकता है कि जो उनकी सेविंग अकाउंट की रेट है वो उसको कम कर दे, क्योंकि यस बैंक को ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। एक इसके साथ एक ईएफओ में आप कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ नहीं है, हो सकता है कि EFO जो कि आप PF के तौर पे कह सकते हैं कि जहाँ पे 8.5% का जो रिटर्न देते थे वो इस बार ना देख पाए, क्योंकि मार्केट के हालात अच्छे नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो टास्क है वो पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से जो सैनिटाइज़र में अल्कोहल यूज़ होता है उसके भी प्राइस को गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है। DOT को लगता है कि वो 20 साल का टाइम ले लेगा EGR के पेमेंट के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वोडाफोन का मानना है कि वो बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखा जा रहा है। ये वोडाफोन का कथन है, हमारा नहीं है। फ्यूल में बात करें तो फ्यूल के डिमांड में भी इस महीने 11% की डिमांड में कमी आई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में जो इसके इम्पैक्ट है वो क्लियर कर दिखने लगे हैं और मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। हम शाम को फिर से फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ आएंगे और उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।